हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटपुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाने वाले हैं। जो तोरई होती है, हमारे ये जो तोरई है, इसको हम बीज बोर्ड बोला जाता है। हमारे नागपुर में इसे बोड़के के नाम से जाना जाता है, कोई इसे तोरई बोलते हैं और ये बीज बोर्ड कहा जाता है इसे। तो इसका हम जो छिलका होता है, इसे हम मैंने कट करके इसका हम इस तरह से छिलका निकालेंगे, इसको कट कर देंगे और इसके बाद में इसे हम पील ऑफ करेंगे, इस तरह से उसके छिलके निकालते हैं। इसकी आज हम एक चटनी बनाने वाले हैं जो बेहद स्वादिष्ट होती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, तोरई के छिलके की चटनी। देखो, हमारा तोरई तो आपने देख चुका है किस तरह से होता है। दोड़का कहा जाता है इसे, रिज गोट के नाम से भी जाना जाता है और कोई इसे तोरई कहते हैं। तो उसको हमने छोटे टुकड़ों में कट करके उसके यानी इस तरह से हमने उसके किस लिया है, उसका यानी छिलका उतार लिया, पील ऑफ कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे पील करते हैं। उसके बाद में हमें असाफोटिडा मीन्स हिंग लगने वाला है, टर्मरिक यानी कि हल्दी लगेंगी, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर, करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता। उसके बाद में हमें रोस्टेड पीनट लगने वाली, भुनी हुई मूंगफली लगेंगी। उसके बाद में क्यूमिन सीड मीन जीरा, मस्टर्ड सीड, राई लगने वाली है, सेसमे सीड, तिल। तिल मेरे पास में व्हाइट वाली थी तो मैं व्हाइट डालूंगी, अगर आपके इसमें जो भी तिल हो आप यूज कर सकते हो। ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च लगने वाली है, ड्राई कोकोनट, सूखा हुआ नारियल है जिसको हमने टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है। उसके बाद में सॉल्ट यानी कि नमक लगेगा, गार्लिक यानी कि लहसुन और ये हरा धनिया, ये सब चीजें हमें लगेंगी और एकदम बेहद स्वादिष्ट ये चटनी बनती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, तो ये जो होती है हमारी तोरई, बीज बोर्ड या दोड़का या फिर आप जो भी बोलते होंगे इसे, इसको हमें सबसे पहले धोना है। पानी से धोने के बाद में ही इसे हमें पील ऑफ करना है, नहीं तो कैसा होगा, इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा लगी रहती है। कभी कभी ये काफी लंबे होते हैं तो नीचे तक झुक जाता है, तो मिट्टी में ये टच होता है। इसको अच्छे से साफ करके बाद में इसके छिलके उतारना होता है। चलो, मैं अब इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपको तोरई के छिलके उतारने का तरीका पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है इसका ये फ्रंट वाला पार्ट, इसको हमें निकाल देना है। उसके बाद में इसके बैक का जो टेल है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब ये काफ़ी लंबी होती है तो हमें जैसे उसका मिक्सर में अगर ग्राइंड करना है तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी इस तरह से। अब इसको हमें पीलर की मदद से इसे पील करना है। पहले इसके ये जो नोक है ये निकाल लीजिए, तो इससे आसानी से ये पील ऑफ हो जाएगा। पहले इसे धोना बहुत जरूरी है, अगर आप धोंगे नहीं बाद में धो नहीं सकते, क्योंकि इसमें मिट्टी अगर लगी रही तो फिर आप कैसे धोंगे। इसलिए पहले अच्छे से साफ धो लीजिए 5-6 बार और उसके बाद में इसे यूज कीजिए। इधर इस तरह से हमें इसे पील ऑफ करना है और इसके जो छिलके हैं उसको हमें चटनी के लिए यूज करना है। ये हम इसकी सब्जी बनाएंगे, इसकी हमें सब्जी बनाना है और इसे पीलर से हम पूरा पील कर लेंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, आप इसे एक बार तो जरूर ट्राई करके देखना, आपको ये बेहद पसंद आने वाली। मैं अपने नागपुर स्टाइल बना रही हूँ इसे, हमारे यहाँ पे हम जैसे बनाते हैं घर पे उस टाइप आपको मैं बता रही हूँ, तो मैं पूरा अपने नागपुर के तरीके से ही आपको आज बताऊंगी हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। सेम हमें ऐसा ही पूरे को पील ऑफ कर लेना है और इसकी सब्जी भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इसके छिलकों की भी सब्जी बनती है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इजी वे में आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। चलो, इस तरह से हमें सारे पील ऑफ करना है। चलिए, मैंने एक कढ़ाई ली है और मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, तो हम इसमें कम से कम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल रहे हैं। और अब इसे हम गरम होने देते हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून राई मीन्स मस्टर्ड सीड, और इसमें चले जाएगा 1 टीस्पून के करीब हमारा ये जीरा मीन्स क्यूमिन सीड। अब इसे हमें अच्छे से पहले फ्लटर होने देना है। उसके बाद में हमने कम से कम 15 से 20 कलियां लहसुन की लिए और ये गार्लिक
डालने से इसका फ्लेवर जबरदस्त हो जाता है। तो ये इसको हम इतनी कलियां इसमें डाल चुके हैं। अब इसमें चले जाएगा हमारा कड़ी पत्ता। तो मैंने ये चार डंठल हमारी कड़ी पत्ते की ली थी। अब इसके बाद में चले जाएगा हमारा ही मीन्स असाफोटिडा। एक पिंच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। हमारे लहसुन को हमें हल्का सा गोल्डन कलर होने देना है। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है इसको भाकरी के साथ में या फिर साइड डिश के तरीके, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं उस टाइम में इसे साइड में लेके आप इसमें चपाती में खा लीजिए, आप पेट भर खाना खा लूंगी, इतना जबरदस्त। और मिर्च जो है, हरी मिर्च, मैं हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा ही डाल रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कम से कम 15-20 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप कम कर देना अगर आप तीखा नहीं खाते हो। लेकिन मैं इसको एक ठेचा यानी तीखी टूई चटनी के समान बना रही हूँ और हमें तीखा बहुत पसंद आता है, इसके लिए मैं इतनी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। देख थोड़ा सा बचाएंगे, हम थोड़ा सा ही बचाएंगे। इससे कैसा, ऐसे भुनने से इसका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये जो चटनी, इसकी सेल्फ लाइन काफी लंबी होती है और ये आराम से टिक जाती है। इसे 10 से 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के या बाहर भी रखोगे, बाहर तो चलो नहीं 5 दिन तक ठीक है बाहर में, लेकिन आप इसे फ्रिज में कम से कम 15 दिन तक आराम से खा सकते हो। इस टाइप की ये चटनी होती है और वेस्ट भी नहीं होता, काफी न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर में, हमारे छिलकों के अंदर में। चलिए अब हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे तुरई के छिलके। छोटे टुकड़े करने का कारण मेरा यही था, कोई कोई तो लंबे लंबे में ही बना लेते हैं, तो इससे कैसा मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए हमें काफी आसानी होती है। मैंने 5 तुरई के छिलके निकाले थे, लंबी लंबी तुरई थी हमारी, और मैं इसको बना के रख लूंगी तो हम रोज खाना के साथ में इसे ले सकते हैं, बहुत मजा आता खाने में से। अभी इसे हमें अच्छे से भुनना है, इसे हमें कम से कम 15 मिनट लगेगा भुनने के लिए। तो अभी फिलहाल शुरुआत में हम इसे थोड़ा भुनते हैं, फिर बाद में इसमें बीच बीच में हम इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप बीच में स्किप करके ना देखें, इसे बनाने में आपको आसानी बिल्कुल नहीं होती है या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हमने क्या डाला और क्या नहीं डाला, इसलिए प्लीज लास्ट तक देखिए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए इसे होने देते हैं हम। चलिए हमारा ये छिलका हल्का हल्का भुनने में आ चुका, तो इस पीरियड में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो आपको मैंने जैसे बताया 15 से 20 मैंने हरी मिर्च ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा इसे कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें ज्यादा, हमें ये तीखा ही अच्छी लगती है। झुनका ये अपन भाकर के साथ में खा लो, रोटी के साथ में खा लो, आप ऐसे भी खा लोगे तो आपको ये बेहद स्वादिष्ट लगेंगी। तो इसे हमें अच्छे से पहले भूनना है। उसके साथ में चले जाएगा हमारा ये नारियल। तो मैंने ये कम से कम हाफ नारियल का यूज किया है, एक नारियल में से आधा नारियल मैंने यूज कर लिया है। उसके सूखा नारियल लिए मैंने, सूखा वाला इसलिए क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता, और गीला नारियल लेंगे तो अपनी चटनी जल्दी खराब होती है। अभी इसे हम कम से कम और 5-10 मिनट भुनेंगे। देखिए अब हमारे ये छिलके जो है इनका मॉइस्चर हल्का हल्का सा कम हो चुका है, इसका मॉइस्चर ही नहीं है, बहुत कम मॉइस्चर बचा है इसमें। तो इस पीरियड में हम इसमें डाल देंगे हमारे ये पीनट। तो हमने 2 टेबलस्पून भर के ये भुनी हुई मूंगफली ली है, रोस्टेड पीनट। लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये भुनी हुई है, इसको भुनने की हमें जरूरत नहीं है। और इसमें चले जाएगा हमारा 2 टेबलस्पून के करीब तिल। तो मैंने सफेद तिल ली है, अगर आपके पास में लाल हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब इसे हमें पहले मिक्स करना है। अब तिल डाल दिया और गैस का पावर हमने फुल कर दिया है और इसे अभी अच्छे से हम पहले भून लेते हैं। अब इसमें चले जाएगा 1/2 टीस्पून टर्मरिक मीन्स हल्दी चली जाएंगी, और ये है हमारी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च। देखिए ये मिर्च जो भी बता रही हूँ मैं आपको, ग्रीन चिलीज होगी या रेड चिलीज होगी, आप अपने अकॉर्डिंग ही डालना, क्योंकि सभी लोग तीखा नहीं खाते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालना, नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालना, हमेशा यही ये रहता है। अब ये हो चुका है, गैस का पावर हम बंद कर देते हैं
और इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये सॉल्ट यानी कि नमक, स्वाद के अनुसार नमक। अभी इसे हम हमारी कढ़ाई में ही रहने देंगे और हर दो दो मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इससे ये काफी अच्छे से सूख जाएगा। और उसके ठंडा होने के बाद में हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है, दरदरा ग्राइंड करेंगे, एकदम बारीक ग्राइंड नहीं करना है। तो अभी इसे हम ऐसे ही बंद करके होने देते हैं। अभी काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब इसे हमें मिक्सर पॉट में डालना है। और इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो अभी इसे हम ग्राइंड करना शुरू करते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त टेस्टी सी हमारी ये तोरई के छिलकों की ये चटनी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बेहद पसंद आएंगी। आपने देखा होगा कितना आसान, कितना टेस्टी सा हमारा ये तोरई का चटनी बना हुआ है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching my channel. Thank you so much.